एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर कोरोना का साया गहराता हुआ दिख रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया है। 9 जनवरी को गांधी को 2 जनसभाएं अल्मोड़ा और श्रीनगर में होनी थी, जो फिलहाल टाल दी गई है। इधर कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने खास बातचीत में कहा कि उत्तराखंड चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र 10 दिनों के भीतर जारी कर सकती है। कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों को लेकर भी यादव ने खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए यह सूचना दी कि प्रियंका गांधी के 9 जनवरी के कार्यक्रमों को फिलहाल टाला गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी के परिवार और स्टाफ में कोरोना संक्रमण के केस आने की खबरें आ चुकी हैं, जिसके चलते खुद गांधी परिवार ने ही अपने ट्विटर पर लिखा था कि उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया है। हालांकि उनकी कोविड रिपोर्ट उस वक्त नेगेटिव आई गई थी। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए बताया कि कोविड की आशंकाओं को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय स्तर से यह फैसला किया गया है। इधर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसे लेकर एक खास बातचीत में देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सभी 70 सीटों को लक्ष्य बनाया है और सभी सीटों पर पार्टी मजबूती से चुनाव में जा रही है। उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो 10 दिनों में जनता के बीच लाए जाने की बात करते हुए कहा कि पार्टी जनता और उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। यादव ने राज्य की भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 3 मुख्यमंत्री देने के बावजूद 4.5 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कुछ नहीं किया और अब चुनाव सिर पर देखते हुए सिर्फ घोषणाएं की जा रही है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।